राजी ब रजाए रब, रब की रजा पर राजी रहना। ये बात कि जो भी कुछ हुआ या होगा वो इसने रब के बगैर ना हुआ है ना हो सकता है, ये तो ईमान का मंतकी तकाजा है। यहां पत्ता तक नहीं हिलता जब तक कि अल्लाह की इजाजत ना हो, इज्जत ना हो। तो जो कुछ हुआ अल्लाह की इजाजत से हुआ, खा उसमें दरमियान में कितने ही अवामिल आ गए हों, किसी ने उठाकर आपको पत्थर मारा लेकिन ये पत्थर आपको नहीं लग सकता था अगर अल्लाह ना चाहता। पत्थर मारने वाले का अमल अपनी जगह है लेकिन आपको इस पत्थर का लग जाना जो है ये बगैर इज़्न रब नहीं है, लिहाजा इसको समझिए कि अल्लाह की तरफ से आया है। एक इसमें लतीफा भी है कि एक दरवेश ये कहता हुआ जा रहा था एक जज्ब की कैफियत में, जो रब करे सो हो, जो रब करे सो हो, जो रब करे सो हो। एक शख्स ने उठाकर उसके सर पर पत्थर दे मारा, उसने पलट कर देखा तो शख्स ने कहा मुझे क्या देखते हो, जो रब करे सो हो। तो उस दरवेश ने जवाब दिया कि ये पत्थर मुझे तो रब के मारे ही लगा है लेकिन मैं देख ये रहा था कि बीच में मुंह किसका काला हो गया, किसने अपने लिए जो है वो अजाब अल्लाह का कमा लिया, वरना मुझे बहरहाल ये पत्थर लगा है तो इसमें इज़्न रब शामिल है। अच्छा, अब जो शय इज़्न रब से हो रही है, बंदा मोमिन का अगर अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ मुखलिसाना है, उसमें मुनाफिकत नहीं है, उसमें रिया नहीं है, उसमें धोखा नहीं है, उसमें फरेब नहीं है, मुखलिस, मुखलिसीन लहुद्दीन, तो अल्लाह ताला का ताल्लुक भी उसके साथ रेसिप्रोकेट करता है अल्लाह ताला। अना इंदा जन्ने अब्दी भी हुजूर, ये अल्लाह का कौल है हदीस कुदसी में कि मेरा बंदा मेरे बारे में जो कुछ गुमान करता है मैं वही सलूक उसके साथ करता हूं। अल्लाह ताला भी मुखलिस है, अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो यकीनन जो कुछ हुआ है उसमें मेरे लिए खैर है, चाहे फौरी तौर पर मुझे नागवार गुजरा है, मुझे तकलीफ हुई है, मेरे लिए ये शय जो है नापसंदीदा है, लेकिन इन दी लॉन्ग रन मुझे यकीन है कि इसमें खैर है। बेयदिकल खैर इन्नका अला कुल्ल शयइन कदीर, अल्लाह तेरे हाथ में खैर ही खैर है, तू हर चीज पर कादिर। अच्छा, जो होगा वो भी इज़्न रब के बगैर नहीं होगा, यही तसव्वुर उसके बारे में होना जरूरी है। इसी का नतीजा ये निकलता है जिसको कुरान मजीद बार बार कहता है, बार बार कहता है, बार बार कहता है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्या मतलब इसका, ना उन पर कोई खौफ है ना हुज़्न से दो चार होते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि यह आखिरत में होगा, आखिरत में तो बतमामो कमाल होगा, दुनिया में भी होता है, खौफ किस बात का भाई, होगा वही जो मेरा रब चाहेगा, वो मेरा दोस्त है, मैं उसका वली, वो मेरा वली। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, उनके ना कोई खौफ होता है ना हुज़्न होता है। खौफ किस बात का, होगा वो जो अल्लाह चाहेगा, और जो कुछ अल्लाह चाहेगा उसमें कोई ना कोई खैर होगा, चाहे फौरी तौर पर मुझे नजर ना आए। कुरान कहता है सूरह बकरा में, आसान तकरहू शैयन व हुवा खैरुन लकुम व आसान तुहिब्बू शैयन व हुवा शर्रुन लकुम। एन मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, दरा हाले कि उसी में तुम्हारे लिए खैर हो, और एन मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो, दरा हाले कि उसमें तुम्हारे लिए शर हो। अल्लाह यालम व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। तुम अफआल व आमाल व अहवाल व वाकयात के जाहिर को देखते हो, उससे मुतासिर हो जाते हो, उसके पर्दे में क्या मशीयत इस दी है, क्या इरादा खुदाबंदी है,
اس کے پشت پر کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتا. وی آر شارٹ سائٹڈ, ہماری نگاہ جو ہے بس کچھ دور تک جاتی ہے, اس سے آگے نہیں جاتی. لہذا افعال و اعمال و احوال و واقعات کے صرف ظاہر پر ہماری نگاہ ہے, باطن پر تو ہے ہی نہیں, لہذا ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو در حقیقت ایمان کا حاصل الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی حزن ہے نہ خوف ہے, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے بلند ترین مقام جو انسان کا ہو سکتا ہے, اس کی تعبیر کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ باہمی رضا مندی ہے, دو طرفہ, دو طرفہ اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, دو طرفہ تعلق ہوتا ہے. تم اللہ سے محبت کرو گے, اللہ تم سے محبت کرے. تم اللہ کے ساتھ مخلص ہو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں واقعتاً اپنا مخلص بندہ بنا لے گا. تم اللہ کی طرف چل کر آؤ گے, اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا. تم بارش بڑھاؤ گے, اللہ ہاتھ بڑھائے گا. تم اسے محفل میں یاد کرو گے, اللہ اس سے کہیں بہتر محفل میں تمہارا تذکرہ کرے گا, ملائکہ مقربین کی محفل میں. تم اللہ کو اپنے دل میں یاد کرو گے, اللہ اپنے جی میں تمہیں یاد کرے گا. یہ دو طرفہ معاملہ ہے. تم اللہ کی مدد کرو گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, اللہ کی مدد سے مراد کیا؟ اللہ کے دین کی مدد, اس کی نصرت, اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سورہ مائدہ میں بھی آ رہا ہے, سورہ توبہ میں, سورہ مجادلہ میں, سورہ بینہ میں, چار مرتبہ.